प्रिय छात्रों, मैं राजकुमार श्रीवास्तव कॉमर्स हेल्पलाइन अमेठी के इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूँ। प्रोरेटा बेसिस के सवालों को समझने के क्रम में हम यह दूसरा सवाल देख रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि प्रोरेटा बेसिस के साथ किन किन तरह की एडजस्टमेंट्स को किया जा सकता है। तो छात्रों, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले एबी लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 5000 अंशों को इशू किया है। इसके एक अंश की कीमत 100 रुपया है, लेकिन 20 रुपया प्रीमियम के साथ ये कंपनी 120 रुपये प्रति अंश के हिसाब से अपने अंशों को निर्गमित करती है। अगर हम देखें तो 5000 अंश 120 रुपये प्रति अंश के हिसाब से निर्गमित करने पर इस कंपनी को 6 लाख रुपये प्राप्त होने वाले हैं। कंपनी ने जब अपना प्रविरोध निर्गमित किया तो इसको देखकर जनता ने कंपनी के पास 6500 अंशों के लिए आवेदन भेज दिया। इसका मतलब यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति बन गई है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति बन गई है तो यहाँ पे प्रोरेटा बेसिस की स्थिति जरूर बनेगी। ऐसी स्थिति में हमने देखा कि अपने प्रविरोध में कंपनी ने जो याचनाओं की राशियों को मांगा है उसका क्रम है आवेदन पर 20, आवंटन पर 50, इस 50 में 20 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम का भी शामिल है, और प्रथम याचना पे 20 रुपया और अंतिम याचना पर 30 रुपया। अगर इन सारी कॉल्स को हम जोड़ दें तो हमारे पास प्राप्त होता है 120 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे भी बताया गया 120 रुपया इसके किधर है। यहाँ पे जानने की बात यह है कि कंपनी ने इन प्राप्त हुए अंशों पे जो एडजस्टमेंट्स किया, जो निर्गमित किया, जो इन अंशों को अलॉट किया, उसके बारे में अगर देखें तो कंपनी ने 4000 अंशों के आवेदकों को 4000 अंश दे दिया। मींस चाहे आप एक ग्रुप समझ लें या किसी एक व्यक्ति को समझ लें कि ये तीन तरह के व्यक्ति हैं इनके पास। एक व्यक्ति ए है जिसने 4000 अंशों के लिए आवेदन किया है, दूसरा व्यक्ति बी है जिसने 2000 अंशों के लिए आवेदन किया है, और तीसरा व्यक्ति सी है जिसने 500 अंशों के लिए आवेदन किया है। या लोगों के ये तीन तरह के ग्रुप हैं। अब यहाँ पे देखते हैं तो ए ग्रुप या ए व्यक्ति ने जिसने 4000 अंशों के लिए आवेदन किया है, कंपनी ने उसे 4000 अंश दे दिया, मींस यहाँ पे पूर्ण आवंटन कर दिया कंपनी ने। दूसरा ग्रुप है बी, जिसने 2000 अंशों के लिए आवेदन किया है, लेकिन हम देखें कि 4000 अंशों के आवेदकों को कंपनी ने 4000 अंश दे दिया और 2000 अंशों के आवेदकों को देने के लिए कंपनी के पास अब 1000 अंश बचे हुए हैं, क्योंकि कंपनी के पास टोटल 5000 अंश है और 5000 अंशों ज्यादा कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में 2000 अंशों के आवेदकों को कंपनी 1000 अंश देती है, और यही कहलाता है हमारा प्रोरेटा बेसिस। यही पे इस विधि की चर्चा करनी है पूरी तरह से। और तीसरा ग्रुप है लोगों का सी ग्रुप, जिसने 500 अंशों के लिए आवेदन किया था और कंपनी ने इसे कोई भी अंश भुगतान नहीं किया, कोई भी अंश इनको अलॉट नहीं किया है। ऐसी स्थिति में इनकी राशि को लौटा देना होगा। और अगर दोनों ग्रुपों को हम देखें तो टोटल 6500 अंशों के लिए हमारे पास 6500 अंशों के लिए हमारे पास आवेदन आया है और 5000 अंशों को हमने अलॉट कर दिया है। आपके सुविधा के लिए मैंने पहले से जर्नल एंट्री बना रखी है, और इस जर्नल एंट्री में आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन करने के बाद अमाउंट को फिलअप करना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन के टाइम पर हम देखें तो कंपनी के पास 6500 अंशों के लिए आवेदन आ रहा है और एक आवेदन की फीस एक अंश पे 20 रुपया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कंपनी को जो टोटल राशियां प्राप्त होंगी वो टोटल राशियां प्राप्त हो जाएंगी 2 × 10 = 2 × 12 = 13, 1,30,000 रुपया कंपनी को प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहां पर अगर हम इसके एडजस्टमेंट को देखें तो यहां पे कंपनी शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर कर सकती है ये देखने की बात है। तो कंपनी शेयर कैपिटल में सिर्फ 5000 अंशों की राशि को ट्रांसफर कर सकती है। 5000 अंशों पे 20 रुपये के हिसाब से होते हैं 1,00,000 रुपये। कंपनी 1,00,000 रुपये अपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी। दूसरी चीज, जिनको कोई अंश आवंटित नहीं किया गया है, कंपनी इनकी धनराशि को बैंक से वापस कर देगी, रिफंड कर देगी। इसका मतलब 500 अंशों पे धनराशि वापस करेगी और 20 रुपये के हिसाब से इस पे प्राप्त हुआ है। तो 5×10 = 10,000 रुपया कंपनी
पब्लिक को वापस कर देगी जिनको कोई शेयर अलॉट नहीं कर रही है। और तीसरी बात यह है कि इसके अलावा बचता कितना हम देखें तो एक लाख रुपया ट्रांसफर कर लिया हमने शेयर कैपिटल में, 10,000 हमने वापस कर दिया तो 1,10,000 हो गया, टोटल हमें 1,30,000 मिला हुआ था। तो इसका मतलब है कि 20,000 रुपया हमारे पास जो बच रहा है वो 20,000 रुपया हमारा ट्रांसफर कहाँ पे होगा, अलॉटमेंट पे, क्योंकि यहाँ पे प्रोरेटा बेसिस है और प्रोरेटा बेसिस का हमें क्या करना होगा आगे अलॉटमेंट पे इसका एडजस्टमेंट करना होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं शेयर अलॉटमेंट मीन्स अलॉटमेंट पे। हाँ, यहाँ पे देखने की बात यह है कि आप तो ऐसे घटा के देख ले रहे हैं कि 1,10,000, 1,30,000 से घटा दिया तो 20,000 आ गया। इसे दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, तो आप देखिए तो यहाँ पे जो 2,000 अंशों के आवेदक हैं इनको 1,000 अंश दिया गया है, इसका मतलब इनके 1,000 अंश का पैसा हमारे पास बैलेंस हो रहा है। तो हम इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे देख लेते हैं, 1,000 अंश का पैसा हमारे पास बच रहा है और 20 रुपए प्रति अंश के हिसाब से बच रहा है, तो आप देखें कि 20,000 रुपया हमारे पास बच रहा है, यही 20,000 है जो कि अलॉटमेंट पे ट्रांसफर किया जा रहा है। अब अगर आप देखें तो 1,30,000 और 1,30,000 मीन्स यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन का प्रोसेस पूरा होता है। तो इस अमाउंट को हम जर्नल एंट्री में फिलअप कर लेते हैं। जब हमें आवेदन की राशि मिलती है तो उसके लिए एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पे हमें 1,30,000 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मेंशन करेंगे 1,30,000। और इस अमाउंट को मैंने बताया था जहां से उठाते हैं डेबिट करते हैं और जहां ले जाते हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो टोटल शेयर एप्लीकेशन से पैसे उठाते हैं हम 1,30,000 रुपए यहाँ से उठा लेते हैं, और शेयर कैपिटल में हमें कितना ले जाना है 1,00,000 रुपए जो कि हम पहले से कैलकुलेट करके रखे हैं। बैंक मीन्स टू बैंक अकाउंट जिन्हें वापस करना है उनका होता है 10,000 रुपया वापस करना है, और अलॉटमेंट पे हमें ट्रांसफर करना है कितना 20,000 रुपया। इसके लिए आप 3 अलग अलग एंट्रीज कर सकते हैं। जैसे पहले आप एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट वापस करने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अलॉटमेंट पे पैसे को ट्रांसफर करने की, और हम चाहें तो इसे ज्वाइंट एंट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसलिए मैंने यहाँ पे ज्वाइंट एंट्री कर रखी है। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई कि आवेदन का प्रोसेस हमारा पूरा हो गया और यहाँ से 20,000 रुपया अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर दिया गया है। सेकेंड प्रोसेस हमारा होता है अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो अलॉटमेंट पे आप देखिए हम हमारे पास चूंकि 5,000 अंश ही हैं, इसलिए आगे का प्रोसेस हम 5,000 अंशों पे करेंगे। तो अलॉटमेंट पे हम 5,000 अंशों पे अलॉटमेंट की फीस कितनी रखी है 50 रुपया, मीन्स 5×25 2,50,000 रुपया हम अलॉटमेंट पे मांगेंगे, ड्यू करेंगे, जिसमें से हम यहाँ पे देखते हैं कि शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कितना मांगते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए इन 5,000 अंशों पे ये जो 50 रुपए है ये 30 × 20 है, 30 रुपया हमारा अलॉटमेंट का है एक्चुअल में, और 20 रुपया हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का होता है जैसा कि ऊपर आपको बताया गया है। तो इसका मतलब शेयर कैपिटल में हम 5,000 अंशों पे 30 रुपए के हिसाब से 1,50,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे, जबकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में हम इन 5,000 अंशों पे 20 रुपए के हिसाब से 5×10 मीन्स 1,00,000 रुपया हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, ये जाके हमारा 2,50,000 रुपया बना देता है। अब इस 2,50,000 को हमने मांग तो लिया है, लेकिन वास्तव में हमें यह पता है कि 20,000 रुपया ऑलरेडी अलॉटमेंट का हमें आवेदन के टाइम पे मिल चुका है। इसका मतलब 20,000 रुपया हमें अलॉटमेंट पे नहीं मिलने वाला है, और नहीं मिलने वाला है इसका मतलब हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम एप्लीकेशन, मीन्स 20,000 रुपया हमें चूंकि ऑलरेडी मिल चुका है तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा 2,30,000 रुपया। अब इस कैलकुलेशन को हम मेंशन करते हैं जनरल एंट्रीज में। अब जनरल एंट्री मैंने कर रखी है, ये अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू करने की एंट्री है सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ में, तो इसकी एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो टोटल आप देखिए अलॉटमेंट पे आपने कितना मांग रखा है, अलॉटमेंट पे आपने मांग रखा है 2,50,000 रुपया, तो यहाँ पे इसको हम शो करा देते हैं 2,50,000 रुपया। इसमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए आपने कितना मांगा है 1,50,000 रुपया, तो शेयर कैपिटल में आप लिख देंगे यहाँ पे 1,50,000 रुपया, और प्रीमियम के रूप में आपने मांगा है 1,00,000 रुपया, इसलिए प्रीमियम की जगह पे आप लिख देंगे यहाँ पे 1,00,000 रुपया। ठीक है, इस तरह से ये शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू ऑन 5,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹30 per share विथ सिक्योरिटी प्रीमियम ₹20
पर शेयर। इस तरह से हम इसका नरेशन लिख देंगे। इस तरह से ड्यू हो गया हमारा 2,50,000 का और हमें जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो हमें हुआ है 2,30,000 रुपया। तो जब अलॉटमेंट की धनराशि मिलती है तो वहां पर हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इस एंट्री के थ्रू हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 2,30,000 रुपया ये हमारा अलॉटमेंट का अमाउंट मिलने की एंट्री है। तो यहाँ पे आप देखिए प्रो रेटा बेसिस जो बात यहाँ समझनी थी कि 2,000 अंशों का जो प्रो रेटा जो अनुपातिक आवंटन किया गया है तो 2,000 अंशों पे को 1,000 अंश दिया गया और इनके 1,000 अंशों के पैसे को एडजस्ट किया गया कहाँ पे अलॉटमेंट के साथ पे वो 20,000 रुपया। तो यहाँ पे जब पैसा मिलेगा तो हम उस देखिए मांगने का तो पूरा मांगते हैं लेकिन पैसा मिलने पे हम वही अमाउंट दिखाएंगे जो एक्चुअल में हमें मिलता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमें 2,30,000 दिखाना है और ये 20,000 ऑलरेडी हमारा एप्लीकेशन से अलॉटमेंट पर ट्रांसफर हो रखा है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मीन्स ये जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग के रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट पे एक बार 20,000 पहले से क्रेडिट हो चुका है, दोबारा अलॉटमेंट पे 2,30,000 फिर क्रेडिट हो गया। इस तरह से अलॉटमेंट पे जो 2,50,000 डेबिट करने के लिए मांगा गया वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है हमारी फर्स्ट कॉल की। अब यहाँ पे वेरी सिंपल क्वेश्चन हमारा बहुत सरल हो गया। फर्स्ट कॉल के टाइम पे अगर हम देखें तो कंपनी के पास 5,000 अंश हैं, कंपनी इन 5,000 अंशों पे फर्स्ट कॉल की फीस रखी गई है 20 रुपया और हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो कंपनी फर्स्ट कॉल के टाइम पे ड्यू करेगी 1,00,000 रुपया और फर्स्ट कॉल के अमाउंट ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री कर रखी है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 1,00,000 रुपया। मीन्स 1,00,000 रुपया हम फर्स्ट कॉल पे ड्यू करते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे चूंकि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने बताया कि सारी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, इसका मतलब है अलॉटमेंट भी ठीक टाइम पे रिसीव हो चुका है। तो ये अलॉटमेंट के पैसा मिलने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल के पैसा मिलने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और यहाँ पे हम 1,00,000 रुपया हमें चूंकि पूरा पूरा मिल जाएगा इसलिए 1,00,000 रुपया हम यहाँ पे पूरा पूरा मेंशन कर लेंगे। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट कॉल हमारी है सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है जो भी लास्ट कॉल होगी उसके साथ हम फाइनल शब्द जरूर लगा देंगे। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे टोटल हमारा जो शेयर है वो फुल्ली पेड अप हो जा रहा है, ये फाइनल कॉल है, इसके बाद कोई कॉल नहीं होनी है, इसलिए चाहे सेकंड कॉल फाइनल हो तो सेकंड एंड फाइनल कर देंगे। फर्स्ट कॉल ही अगर फाइनल होती है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर देंगे, अगर थर्ड कॉल फाइनल कॉल होती है थर्ड एंड फाइनल कॉल करेंगे। मीन्स यहाँ पे फाइनल शब्द हम जरूर इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल के टाइम पे तो यहाँ पे हम जो ड्यू करेंगे वो हमारा 5,000 अंशों पे सेकंड एंड फाइनल कॉल की फीस हमारी कितनी 30 रुपया और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो ड्यू होने वाला अमाउंट है 1,50,000 और इस 1,50,000 के लिए जो फाइनल कॉल को हम ड्यू करेंगे तो उसकी एंट्री हो जाएगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे 1,50,000 का अमाउंट आपने कैलकुलेट कर रखा है इसलिए यहाँ पे हम 1,50,000 का अमाउंट मेंशन कर देंगे। और जब ये हमें फर्स्ट फाइनल कॉल का पैसा मिल जाता है तो वहां पे एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट और चूंकि 1,50,000 हमें बिना किसी प्रॉब्लम के मिल जा रहा है इसलिए इसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 1,50,000 रुपया। तो यहाँ पे आपने देखा कि प्रो रेटा बेसिस पे अगर जितने अंश निर्गमित किए गए उससे अधिक अंशों के लिए आवेदन अगर आते हैं तो यहाँ पे तीन तरह की सिचुएशन हो सकती है और तीनों तरह की सिचुएशन को यहाँ पे आपको शो कराया गया है। पहली सिचुएशन है कुछ अंशों को पूर्ण आवंटन कर दिया जाए, कुछ अंशों को प्रोरेटा बेसिस पर डाल दिया जाए और कुछ अंशों की राशियों को वापस कर दिया जाए। तो ये मुख्य रूप से तीन सिचुएशंस बन सकती हैं आपकी प्रोरेटा बेसिस में आनुपातिक आवंटन में, उन तीनों कंडीशंस को यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में प्रोरेटा बेसिस में सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ में दो बातें और इंक्लूड होती है, वो दो बातें कौन सी है, पहली बात तो ये कॉल्स इन एरियर होना, दूसरा है कॉल्स इन एडवांस होना। फिर कॉल्स इन एरियर के साथ इंटरेस्ट हो सकता है, कॉल्स इन एडवांस के साथ इंटरेस्ट हो सकता है, उसके बाद शेयर का फॉरफीचर होगा, हरण हो सकता है, ये सारे प्रोसेस आगे हम देखेंगे। इसके जस्ट बाद हम कॉल्स इन एरियर पढ़ेंगे, कॉल्स इन एरियर पे हम पूरा कॉल्स इन एरियर और उसके इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमारा प्रो रेटा बेसिस का कोई क्वेश्चन होता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा और यहाँ पे हम इसका टोटल कर लेते हैं, जो भी अमाउंट आएगा डबल लाइन से लॉक कर देते हैं।
बस धन्यवाद।